फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड, आज हम आपके सामने सैमसंग का फ़ोन लेकर आए हैं, सैमसंग कोर A03। जिसका देखिए आप देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से ये फ़ोन टूटा हुआ है। तो इसका फ़ोल्डर चेंज करेंगे, पर अभी मुझे ये भी नहीं पता इस फ़ोन के बारे में कि ये फ़ोन ऑन है या नहीं है। अभी तो मुझे कस्टमर सिर्फ देकर गया है, तो पता भी कैसे लगेगा कि ऑन है या नहीं है। तो मैंने इसको फ़ोन को ओपन कर लिया है पूरा, और सबसे पहले तो मैं इसका ये जो फ़ोल्डर है ये बिल्कुल फ़ोन से अलग कर देता हूँ, क्योंकि इसकी कंडीशन फ़ोल्डर की बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत टूटा हुआ है। तो ये कांच होता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कहीं हाथ में लग जाए और कोई दिक्कत पैदा कर दे। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं इसका फ़ोल्डर बिल्कुल अलग कर देता हूँ। तो ये मैंने फ़ोल्डर इसका बिल्कुल निकाल दिया है, और अब आप जैसे इसको देख सकते हैं, ये जो है यहाँ से भी टूटा हुआ है। ये देखिए, ये ब्रेक है यहाँ से, तो ये इसकी वजह से ये देखिए टेढ़ा दिखाई दे रहा है, बैंड हो गया है। तो इसको सीधा करने की कोशिश करेंगे, और अगर सीधा होने से ये काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं अगर होता है तो हम इसका पूरा बीच में के जो फ्रेम होता है, जो टूटा है, टेढ़ा हो गया है, उसको हम पूरा फ्रेम चेंज कर देंगे। तो पहले तो इसको कोशिश यही करेंगे कि सीधा हो जाए, और अगर 1% नहीं होता है तो हम इसको फ्रेम चेंज करेंगे इसका। तो थोड़ा थोड़ा ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सीधा होने लगा है। मैंने इस तरीके से इसको सीधा कर दिया, और फिर इस पर हम फोल्डर लगाएंगे। देखिए, ये जो हमने फ्रेम था हमारे पास में, ये जो टूट गया था फ्रेम, इस फ्रेम को टूटने की वजह से ये फिर भी हमने सीधा किया इसको, फिर भी ये टेढ़ा हो रहा था, बैंड हो गया था ये। तो हमने नया फ्रेम मंगाया है। अब नया फ्रेम मंगाया है, ये हमने पुराने फ्रेम पर से सारा सामान इसका निकाला, और अब हम इसमें एक एक सामान कर लगाएंगे। जैसे कि ये स्पीकर है, और ये नीचे वाइब्रेटर है, वाइब्रेटर के साथ में ये रिंगर है, और रिंगर के बाद में ये हमारा चार्जिंग का पत्ता है, ये चार्जिंग पत्ता है, ये चार्जिंग पत्ता लगा दिया हमने यहाँ पर ऐसे करके, और ये नेटवर्क वायर है, और ये जो है ये हमारा वॉल्यूम और पावर बटन का पत्ता है। तो ये यहाँ से इस तरीके से लगेगा, और ये साइड में, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। और अब ये बोर्ड है हमारा, सॉरी दोस्तों, ये स्पीकर हमने उल्टा लगाया, ये इस तरीके से लगेगा। और लास्ट में ये बैटरी बची है। बैटरी को इसमें फ्रेम को पहले थोड़ा सा हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद में इसकी बैटरी निकालेंगे और फिर हम इसके ऊपर फोल्डर लगाएंगे। देखिए इसको मैंने थोड़ा सा हीट किया और हीट करने के बाद में ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से एकदम बैटरी इसकी बाहर निकल गई। और अब हमने जो नया वो हमारे पास में फ्रेम है उस फ्रेम पर हम ये बैटरी ये लगाएंगे। ये हमने नए फ्रेम पर ये बैटरी लगा दी है और अब हम इस पर फोल्डर लगाकर चेक करेंगे। जो हमने देखिए ये इसका फोल्डर है और अब हम इस पर फोल्डर लगाकर यहाँ से चेक करेंगे।